सो हेलो गाइस, यहाँ पे मैच स्टार्ट हो गई है। सो आपने तो प्लेन पाथ देख लिया था कि प्रिमोस से जा रहा था प्लेन सीधा मिल्टा पावर, और यहाँ पे बहुत से टीम आ गए हैं, मतलब कुछ ज़्यादा ही टीम्स आ गए आज खेलने के लिए। सो देखते हैं अभी यहाँ पे टीम से वहाँ पे स्पाई पोचिंग के में मचाते हुए। यहाँ पे तो अभी गाइस फाइट ही फाइट होगी, तो थोड़े अगर किसके फाइट नहीं हो रही है, लाइक गेम प्ले पे नहीं दिखा रहे, तो सॉरी फॉर दैट, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टीम्स है, तो यहाँ से वहाँ मुझे जाना पड़ेगा। इलेक्ट्रोस जो कि है मिलिट्री, उनका फेवरेट जगह, उनके पास है टीम नंबर 6। इलेक्ट्रोस के सिर्फ 3 प्लेयर, उन्होंने ठग ठग के प्लेयर को मार दिया है। ठग के सिर्फ अभी 2 ही प्लेयर बचते हुए, और मिलिट्री बेस शायद से कोई आता ही नहीं है कस्टम रूम में। सीएस हंटर ने चिपका दी है थॉमसन से यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं। और सीएस के ग्रुप में ग्रुट नहीं खेल रहा है, क्या पता उसका नेटवर्क ख़त्म हो गया था, उसका लास्ट मोमेंट में मैसेज आ गया था कि वो नहीं खेल रहा है। और यहाँ पे थोड़ा ग्लिच होते हुए सामने टीम नंबर 12 भाग गई भाई हंटर को देखकर। यहाँ पे अलग से स्क्वाड है, ऊपर टीम नंबर 10 डीडोस डेड डोस, और यहाँ पे है 09 की टीम। सो यहाँ पे अभी देखने को मज़ा आएगा भिड़ू। सो मैप पे देख सकते गाइस, यहाँ पे टीम सी टीम से एकदम जंगल समझ गया। ऊपर तो सेवन इंसाइड वेवन इंसाइड कोई गया नहीं है, यहाँ पे जॉशफुल सिटी भी कोई गया नहीं है, मतलब सही है। फाइट होने के चांसेस है स्कूल में, अपार्टमेंट में टीम MRC, और स्कूल के मेन बिल्डिंग में है टीम नंबर 14 टीम GRX। यहाँ पे रोटेशन देते हुए सिग्नेचर स्क्वाड और टीम नंबर 19 यासना में मैंशन में भी गई है पब्लिक, और वहाँ पे चैम्प ने बजा दी है टीम नंबर 10 को, राजे के वंश को। पैन से मार रहे हैं भाई, पैन से मार रहा है बंदा। और ये डायरेक्ट नेड, ओपी नेड बाय मेटालियन। और चैम्प खुद मर गया, ओके चैम्प को मार दिया है। अभी यहाँ पे टीम स्पाई के मेडलियन और स्कल निंजा दोनों ओपी प्लेयर है। सो देखते हैं अभी इनके सामने टीम नंबर 20 क्या कर पाती है। 2v4 की मैच, और ये हाथ में लग गई है भाई M416। वहाँ पे डीडोस वाली की भी फाइट हो रही है, किल फिट्स में आप देख सकते हो यहाँ पे किन लोगों को उन्होंने ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया है। अल्ट्रॉन बंदा भर रहा है, बंदा भर रहा है, बंदा भर रहा है, और यहाँ पे स्पाई की टीम शायद से फिनिश होने के इस पे ही है। स्कल निंजा को भी मार दिया है, वहाँ पे सीएस हंटर का भी आया था किल फीड में। अभी स्पाई के मेटालियन, उसके सामने ब्रोकन वॉल पे एक बंदा है, दो बंदा है। ओ फ्री फायर देख के उसके लोकेशन पता चल गई है, और 1:2 भाई यहाँ पे पूरी बजा दिए। और चलो चलते हैं सीएस के टीम के पास। यहाँ पे सीएस के टीम के आमने सामने भिड़ रही है O9 की गैंग, और पूरी स्क्वाड वाइप कर ली है हमारे बंदों ने। हंटर के खाते में 3 किल्स, नॉइजी के खाते में 1 किल, और हीरो के खाते में 1 किल, और यहाँ से पूरी 09 की टीम फिनिश कर ली है। सॉरी गाइस, आपके फाइट नहीं दिखा पाया मैं, और यहाँ पे पूरा लिपो कैप्चर कर लिया है बंदों ने। वेल प्लेड बॉयज़, अभी कैसे आराम से मैं फाइट दिखा सकता हूँ। सो एक इलेक्ट्रोमिहिर सोलो बंदा था, वो चला गया। स्पाई की फर्स्ट लाइनअप चली गई, और टीम 09। यहाँ पे गाइस फाइट हो सकती है, यहाँ पे मिल्टा पावर में इलेक्ट्रो के बंदे गाड़ी लेके रोटेट कर रहे हैं। उनके सामने टीम नंबर 6 फ्री फायर करेंगे नहीं की। सो इलेक्ट्रो के बंदे यहाँ पे होल्ड करेंगे शायद से, अरे नहीं कर रहे शायद से होल्ड बंदे। यहाँ पे टीम शासन,
मिल्टा पावर में अभी फाइट देखने को गाइस आपको। ओ आईजीआई के प्लेयर सेवरनी में जा रहे हैं, जहाँ पे टीम जेरेक्स है। इलेक्ट्रो गैस इलेक्ट्रो उसकी टीम अभी भिड़ गई है। अरे भाई आजा यहाँ पे। अरे रूट स्पेक्टेट स्पेक्टेट क्यों नहीं हो रहा है, अभी हो रहा है। और इलेक्ट्रो गैस इलेक्ट्रोस की भी टीम यहाँ पे मचाते हुए। इलेक्ट्रो गैस के पास है 2 किल, डेविल के पास 1 किल, ब्लिट्स के पास 0। यहाँ पे अभी फाइट ओके रुइंस में रुइंस। ओ भाई दिख गए बंदे, टीम नंबर 22 के बंदे। ओ भाई 0 इस पर ही मार दिया उसको बंदे को, ऊपर से मार रहा है बंदा। 2 बंदे को नॉक कर दिया। अभी टीम नंबर 10 के 2 बंदे कहाँ पे, ख़त्म कर दिया है टीम नंबर 10 को। टीम नंबर 10 अल्टीमेट किल हंटर वॉइस, उसका भी शायद से एक ही बंदा बचा है। वो एक बंदा शायद से अभी कार 900 से भाई इतना दूर दे रहा है, और उसको दिखाई भी दे रहे हैं बंदे, स्पॉट हो रहे हैं उसको। बहुत दूर है गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं मतलब बहुत दूर से वो चिपका रहा है। और राजे ने भी पोचिंग की कैप्चर कर ली है। स्पाइक की टीम को क्या हुआ पता नहीं, मतलब एकदम से टीम बिखर रही है, क्योंकि पहले वो मतलब वही टीम के मतलब चिकन डिनर्स रहते थे। अभी थोड़ा टीम का एकदम इम्बैलेंस हो रहा है क्या पता। यहाँ पे स्पाई 2.0। और गाइस जो स्लॉट देता हो प्लीज़ उस पर ही बैठो यार, यहाँ पे फाइट देखने को मिल सकती है। कॉल बैक कर लिया है टीम नंबर 16 ने शासन। उनके सामने इलेक्ट्रो के बंदे, इलेक्ट्रो के बंदों के पास से अगर ये लोग जा रहे तो वो लोग तो छोड़ेंगे नहीं, गारंटी छोड़ेंगे नहीं। हाथ में अगर उनके अच्छी ऑटो, ओ बोला था भाई मारेंगे ये लोग मारेंगे। MRC की भी फाइट हो रही है गाइस यहाँ पे ड्रॉप के पास, एकदम क्लोज फाइट हो रही है। और ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया है। ओ भाई साहब ग्राउंड लेवल पे देखते हैं MRC के बैड बॉय के हाथ में, और ये इसकी शायद से गन रिलोड पे जाएगी, गन रिलोड पे जाएगी। भाई सामने तेरे बंदा है, गन रिलोड कर रहा है। ओ भाई बच गया और एक बंदा। ओ यहाँ पे MRC पूरी ख़त्म होते हुए टीम नंबर 17 वेल प्लेड। अगर उसकी गन रिलोड को नहीं जाती MRC के बंदे की तो चांसेस रहते थे, क्योंकि एक ही बंदा था भाई। यहाँ पे उनके यहाँ पे भी और एक अभी टीम आ रही है, डीडोस दूर है बहुत। टीम CS भी निकल गई है और फाइट्स आपको गाइस अभी यहाँ पे देखने को मिल सकती है शायद से, पर यहाँ पे वेयरहाउस में है और बंदे GRX के प्रॉपर सिटी में है, 6 हाउस के यहाँ पे। अभी थोड़ा फाइट देखने को नहीं मिल सकता, मिल सकता है पर इतना एकदम फास्ट एकदम नहीं मिल सकता। और देख सकते हैं गाइस अभी टीम CS जा रही है यासना में, जहाँ पे सिग्नेचर स्क्वाड और टीम नंबर 19 जमा के बैठी है। और टीम GRX किल फीड में, अभी टीम GRX के 2 बंदे 2 टीमें, तो कहाँ पे मचा रही है टीम GRX। सेवरनी में तो कोई है नहीं मारने लायक, यहाँ पे मचा रही है। और ये GRX की सेकेंड लाइनअप, फ्रीक डैनी किंग्स। ओ इनके सामने वॉरलॉर्ड की टीम है और अथर्व को उन्होंने शायद से नॉक कर दिया था, पर प्रज्वल ने दे दिया है रिवाइव। और अथर्व ने भाई लेवल 3 का सब पहन चुका है, खाली जैकेट बाकी है। और ये लोग शायद से फॉल बैक करेंगे, फॉल बैक कर लिए टीम GRX ने शायद से देख लिए, पर चले गए हैं वहाँ पे हंटर के CS की टीम। CS की टीम खाली हो गई,
या फिर खाली की है इन लोगों ने। ओ भाई साहब, दो बंदे नॉक। किन लोगों को मारा है इन लोगों ने गाइस, किल फीड में दिख जाएंगे। और यहाँ पे हेड टू हेड फाइट में, ओ भाई साहब, हंटर फिनिश करने को देख सकते हैं शायद से। और यहाँ पे टीम सीएस खत्म। हो सकता था भाई एक ही बंदा बचा था सिर्फ, टीम नंबर 12। वेल प्लेड गाइस। यहाँ पे भी गाइस एकदम आर पार की लड़ाई है, एकदम एक ही साइड से अपार्टमेंट्स में ही है वो लोग। ये बंदा किसको मार रहा है, किसको मार रहा है बंदा? ओ यहाँ पे राजे के सिंचैन ने दे दिए भाई हाथ में उन लोग के, बहुत तगड़े तगड़े बंदूक है भाई। सामने जियान है, जियान को शॉट्स गिर रहे हैं। इस बंदे के ऊपर से एक बंदा रश मार दिया है। ओ यहाँ पे फाइट हेड टू हेड, ऑलमोस्ट 1 HP करा दी। ओ यहाँ पे कौन किसको मार रहा है, एक ही बंदा है बचा। यहाँ से सिंचन ने आके भाई, ओ बच गया बच गया बच गया भाई, भाई बच गया। पूरी स्क्वाड वाइप कर दी है यहाँ पे टीम नंबर 20 ने। 3 kills, बिग शाउट आउट फॉर सिंचन 420। यहाँ पे और कोई स्क्वाड बची है? यस यहाँ पे और भी स्क्वाड बची है जो कि है दूसरे ही अपार्ट्स में जहाँ पे भाई उनका आदि है। यहाँ पे कृष्णा, यहाँ पे टीम शासन, TPP लेके बैठे हैं भाई, थॉमसन की बंदूक लेके। उनको पता है कि भाई ऊपर ही है। यहाँ पे सिंचन से अच्छे जा रहे ऊपर, अच्छा राजे जा रहे ऊपर, राजे के वंश। वहाँ पे IGI की टीम भड़क गई है भाई, IGI की टीम के पास चलो। ऑलमोस्ट ख़त्म कर दी है स्पाई की सेकेंड लाइनअप, पूरी की पूरी टीम ने बैंग बैंग कर दिया है स्पाई की लाइनअप को। ऊपर से देखते कोई बचा है क्या स्पाई का, भाई पूरी स्क्वाड खा ली है लोग ने। ऐसे स्पाई की टीम रोटेशन दे रही थी, रोटेशन के टाइम ही बजा दिया उन लोगों को। और सेकंड ड्रॉप भी यहीं पे पड़ रहा है, मतलब IGI वालों का तो अच्छा ही है भाई, उन्होंने पहले फ्लेयर ड्रॉप भी मंगाया फिर ये भी मंगा रहे। और मिस्ट वालों की यहाँ पे फाइट हो रही है। किन लोग को मार रहे लोग? लेजेंड वॉरलॉर्ड्स की टीम है सामने मिस्ट वालों के। और भाई यहाँ पे एक बंदा, चलो स्कूल के यहाँ पे फाइट हो रही है, चढ़ गई है टीम। स्ट्रीक ओपी शहीद हो गया है उन लोग का। एक बंदा फ्लिंग करेगा ऊपर, दूसरा बंदा तो एकदम ये कर रहा है। और यहाँ से नेड स्मोक, भाई स्मोक कर दिया ऊपर। यहाँ से आपको क्लियर व्यू दिख सकते हैं कि भाई शासन की टीम के तो भाई दो बंदे एकदम ऊपर ही है। और यहाँ से ऐसे ऊपर आने के ट्राई कर देंगे बंदे। और ये स्मशान को, और यहाँ ओ भाई आते आते मार दिया भाई, आते आते गलत सीन हो गया भाई, पूरी स्क्वाड वाइप हो गई यहाँ पे टीम शासन की। वेल प्लेड गाइस एंड अ बिग शाउट आउट टू। और यहाँ पे और एक जगह पे फाइट हो रही है टीम GRX ऊपर। ओ प्लीज़ यहाँ पे माइक पे बोलो मत, या माइक का सेटिंग कैसा चेंज करते हैं भाई, माइक का सेटिंग कैसे चेंज करते हैं कमेंट सेक्शन में बता दो मुझे। माइक की सेटिंग कैसे चेंज करते हैं यहाँ पे, सेटिंग्स सेटिंग्स कुछ है गाइस? एडजस्टमेंट वेडजस्टमेंट कुछ नहीं है यहाँ पे, मुझे सेटिंग चेंज करना है। कभी कभी ये ऑल पे रख देते हैं माइक, डिस्टरबेंस हो जाता है।
तो ये सेक्शन पूरा मुझे थोड़ा म्यूट करना पड़ता है, तो सॉरी। और यहाँ पे वॉरलॉर्ड की टीम किल्स निकाल लिए, निकाल रहे हैं। टीम मिस्ट डायरेक्ट आके भाई, डायरेक्ट आगे चढ़ गए वो लोग के ऊपर, और लेजेंड को सीधा हेड टू हेड फायर कर दिया है। यहाँ से पाशा ने डाल दिया है बॉम्ब, पाशा भी क्लोज इन करेगा, हाथ में एकेएम है। यहाँ में मतलब क्या है क्या नहीं, यहाँ पे बचते हुए अथर्व और प्रज्वल, प्रज्वल तो भाई यही पे, कि जैसे कोई ऊपर आ रहा है वो तो सीधा नॉक कर देगा। स्टेज केस में थोड़ा स्टेज केस के ऊपर रहना चाहिए था, तो टीपी पे लेते हुए। यहाँ पे मिस्ट के बंदे तो भाई एकदम मचा ही रहे, मतलब नेड्स पे नेड्स कर रहे हैं और आ गए। और ये अथर्व ने अच्छा मार दिया है प्रज्वल ने, पर प्रज्वल को भी नॉक कर दिया। शायद से अथर्व रोटेशन करके जाएंगे, नहीं, यस माइंड चेंज। ओ भाई एक एक फ्लो में भाई दोनों बंदे जाते थे। ओ बैड लक, बैड लक भाई, बैड लक। मिस वाले ने यहाँ पे वॉरलॉर्ड की पूरी सेना खा ली है। और यहाँ पे राजे, इन लोग को कौन सी टीम दिक्कत दे रही है? डीडोस, दैट डोस, जिनके दो बंदे ऑलमोस्ट नॉक कर चुके हैं ये लोग। डीडोस के स्वैप क्लोज इन कर रहे हैं, इसके भी दो बंदे नॉक है, उनके भी दो बंदे नॉक है भाई। और वहाँ पे आईजे अवेलेबल है तो क्या फाइट देख सकते हैं। यहाँ पे टीम नंबर 20 ने मचा दी है पूरी। चलो गाइस वहाँ पे एक अच्छी फाइट देखने को मिल सकती है आईजी है और इलेक्ट्रोस के बीच। इलेक्ट्रोस के तीन बंदे नॉक, दो बंदे नॉक थे, यस रिवाइव मिल गया है। यहाँ पे अभी नेड्स, ये दोनों दोस्त लोग है किल फील्ड में। गाइस किल्स आते जा रहे, आते जा रहे, आते जा रहे। यहाँ पे आईजी है और यहाँ पे इलेक्ट्रोस स्पॉट कर लिया है शायद स्कैरी ने। यहाँ पे टीम इलेक्ट्रो ने भी एक स्क्वाड वाइप कर लिया गाइस, जैसे कि आपने किल्स फील्ड में देख लिया था। वहाँ पे स्कूल में अभी भी फाइट हो रही है, सिंचन मचा रहा है। तो देखते हैं इन लोगों की पोजीशन क्या है। शिनचेन वहाँ पे 1:1 करने के लिए, ओ मॉली कर दिया बंदे ने टीम 14 के। और थोड़ा अच्छा वो ब्रोकन वॉल के वो साइड है। यहाँ पर भी गाइस रोटेशन दे दिया है शिनचेन ने। और वहाँ पे वंश, सो 2v2 मैच आप देख सकते हैं गाइस पूरा ऊपर से। यहाँ पे अभी जोन में आना तो है, वंश ने शायद से देख लिया है। और ये अच्छा स्प्रे, अच्छा स्प्रे, बहुत ही अच्छा स्प्रे फिनिश करने को देख सकते हैं। एक ही बंदा बचा है नेक्स्ट विकास। ओ भाई एक बंदे को नॉक फिनिश करने को देख सकते हैं, पर भाई खुद के हेल्थ लो है, फिनिश करेगा भाई, फिनिश करना करने जा रहा था भाई। ओह भाई खा के गया बंदे को, जोन ने मार दिया भाई को, जोन ने मार दिया। इलेक्ट्रोस के बंदे फॉल बैक करते हुए, क्यों यार थोड़ा फाइट लेते, थोड़ा मज़ा आता, मज़ा भी गई होती, दो दोस्त लोग लड़ रहे। सो गाइस जोन बन रहा है शूटिंग रेंज और सेवरनी के साइड, और टीम अलाइव है 10, टीम जीआरएक्स, टीम जीआरएक्स की सेकेंड लाइन अप इलेक्ट्रोस, टीम फायर ब्रिड, ओके टीम सिग्नेचर स्क्वाड, इलेक्ट्रोस, आईजी है, जोन के बाहर है टीम नंबर 22, हंटर बॉयज और टीम राजे। और ये जीआरएक्स के टीम को कहाँ से तो बंदे स्पॉट हो गए, अभी कौन सी टीम है यहाँ से तो बंदे स्पॉट नहीं कर सकते। शायद से सेवनी के बंदे को ही स्पॉट हो गए, क्योंकि सामने ड्रॉप है, पर ड्रॉप पे है तेजस, तेजस ऐसे अकेला ही बंदा था, यस अकेला ही ड्रॉप लूटने गया था।
ऐसा नहीं करने का भाई। देखो भाई कहाँ से, मतलब कहाँ से मार रहे लोग। देखो सेवरनी से वो लोग ऑलमोस्ट ड्रॉप तक वो लोग का फायरिंग, बोलते ना एकदम फायर रेंज जा रहा है। ऐसा नहीं करते ना सर ड्रॉप लूटने एकदम ओपन में। इसके बाकी के टीम प्लेयर्स इसकी राह देख रहे कि भाई ये कभी आएगा। एक बंदे ने गाड़ी निकाल दी, बचना थोड़ा मुश्किल है गाइस क्योंकि बहुत बहुत लीटे बंदा। और ये तेजस्वी चला गया है, यहाँ से टीम GRX क्या उनके लाइनअप के सामने ही आके खड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे लाइनअप वर्सेस लाइनअप आपको फाइट दिख सकती है गाइस। IGA तो बराबर इलेक्ट्रोस के पीछे, और IGA वालों के पीछे है हंटर वॉइस का सोलो बंदा, सही से भागते आ रहा है। कस्टम्स में गाड़ी मिलना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। और यहाँ पे IGA के स्कैरी हेड टू हेड फाइट सही से यहाँ पे देखने को मिल सकती है। यस यस गैस ने जैसे देख लिए, गैस शूट्स करेगा, शूट करेगा गैस। प्रोन होके शूट करेगा बंदा, एक्यूरेट देखो। अरे भाई चला गया है, और यहाँ से स्कैरी भी निकल गया है। स्कैरी को शूट करेगा और ये थोड़ा डैमेज दे दिया है। स्कैरी ने देख लिया शायद से कि उसके ऊपर शॉट्स गिरे, थोड़ा थोड़ा सा डैमेज दिया, ज़्यादा नहीं। तो जहाँ पे अभी IGA वाले जा रहे उनके सामने मिस्ट वाले एकदम ही बैठे, यहाँ से भी स्कैरी को गिर गए भाई। मतलब क्या ही सीन हो गया भाई यहाँ पे, एकदम IGA वाले बीच में फंस गए और ऊपर से टीम GRX ने स्पॉट कर लिया है टीम मिस्ट को। सो यहाँ पे अभी कौन किसको मार रहा है ऐसा सीन हो गया। इलेक्ट्रो ने पूरा एकदम रोटेशन देके चले गए हैं टीम GRX के साइड। नेड्स पे नेड्स हो रहे हैं यहाँ पे गाइस, मैं थोड़ा ओवरव्यू दिखाता हूँ। ओ भाई साहब इतने नेड्स भाई, इतने नेड्स भाई, देखो भाई नेड्स देखो, नेड्स देखो कितने। एक भी गए ना भाई ये लोग सीधा रश करेंगे, पर इतने नेड्स गए पर एक भी नेड कनेक्ट नहीं हो रहा इनका। और ये बुलेट्स तो कनेक्ट कर लिए भाई ने, चलो देखते किंगसन के पास। ओ साहब नेड्स कितने नेड्स है भाई लोग के पास, ये नेड क्या प्रॉपर जा सकता है। थोड़ा गिर गया है यहाँ पे टीम GRX के स्लेयर ने, अच्छा रोटेशन दिया है। COVID-19 आगे टीम इलेक्ट्रो के एक ही बंदा नॉक है, ओ उसको फिनिश कर दिया पूरा। COVID-19 ने देख लिया है और फिनिश करने को तो फिनिश ही करेगा। और COVID-19 को भी पीछे से गिर गई है क्योंकि पूरी की पूरी GRX चढ़ गई है। ओ भाई ऊपर ये बंदा है, इनको पता ही नहीं है। इलेक्ट्रो रू और यहाँ पे से पूरी GRX की टीम खाली है टीम इलेक्ट्रो ने, पर खुद के टीम के भी तीन बंदे ऑलमोस्ट शहीद हो गए। सो वेल प्लेड। IGA की टीम अभी भी मिस्ट और इलेक्ट्रोस के बीच में फंसी है। पीछे हंटर बॉय का एक बंदा बचा है खाली, यहाँ पे बैड बॉय है अकेला छुपा है वे, क्या करे। उसके सामने ही पूरी टीम GRX है, और GRX की पहली लाइनअप को तो सॉरी सेकेंड लाइनअप को तो खा गए इलेक्ट्रो वाले। वे तो गाड़ी लेके आ रहे हैं। अल्टीमेट निखिल ने पीछे से मार दिया है कार 98 से इलेक्ट्रोस के बंदे को, ब्लिट्स को, और वो भी प्रोन होते होते जा रहा है आगे। देख सकते हैं आप कि इन लोगों के पास थोड़ा चांस भी नहीं है। और इलेक्ट्रो रू अकेले ही भिड़ गए भाई, कहाँ पे बंदा वो भाई। मिस लोग को खा गया पूरा भाई, मिस लोग को पूरा खा गया बंदे ने। आप लोकेशन देख सकते हैं, यहाँ पे टीम GRX, यहाँ पे मिस, और यहाँ पे अकेला बैड बॉय, और वहाँ पे शहीद हो गया टीम हंटर्स का अकेला बंदा बचता हुआ।
तो टीम अलाइव देखो, इलेक्ट्रोस, टीम जीआरएक्स, आईजीए, सिग्नेचर स्क्वाड अभी भी गेम में जा रही है। यहाँ पे राजे का एक बंदा और टीम नंबर 22 गेमर्स फाइट अभी भी गाइस। इलेक्ट्रोस के बंदे तो भाई बहुत पीछे, वो लोग तो नॉक पे नॉक हो जाएंगे बवा। अभी रिवाइव देख के मतलब नहीं है ना भाई, रिवाइव देगा तो खुद भी मरेगा। गया, ये भी गया, ऐसा क्यों होता है। चलो आईजे वालों के पास, ये लोग भी बहुत लीट हो गए थे। ओ भाई, ये तो भाई बहुत बहुत अच्छा वाला बचा है। यहाँ से फायर ब्रीड ने देख लिया है आईजे वालों को, मतलब घेर सा लिया है उन लोगों को। और ऊपर से भी अलग से शॉट पड़ रहे क्लोन स्लेयर से। टीम जीआरएक्स भी जाते हुए जोन से, मतलब सभी के सभी जोन से ही जाना, मतलब तो सबको जोन से ही जाना है। यहाँ पे से फायर ब्रिड दे रहा है और उसको, फायर ब्रिड को अलग से शॉट्स गिर रहे। आईजीए के स्केरी ने मार दिया, पर यहाँ पे किल सिक्योर कोई दूसरा ही बंदा कर लेगा भाई। इतने एकदम वो लोग के पास तो कुछ था ही नहीं, तो भी वो आईजीए की टीम कैसे कैसे एकदम जोन के अंदर आ गई। और यहाँ पे ऐसे सिग्नेचर स्क्वाड का एक बंदा गायब। ऊपर टीम जीआरएक्स जोन के अंदर आ रही है। यहाँ भाई क्लोन स्लेयर को शॉट्स एकदम गढ़ते हुए, एकदम जीआरएक्स ने तो पूरा एकदम बीच में पकड़ लिया है। राजे और बैड बॉय अकेले बचते हुए। जीआरएक्स के अभी भी तीन तीन बंदे बचे हैं भाई। आईजे के तीन बंदे और बाकी सब भाई सोलो सोलो खेल रहे हैं। मिस्ड गेमिंग के भी दो बंदे बचे हैं। थोड़ा रोटेशन देके जाएंगे, पर मिस्ड गेमिंग के बंदे लोगों को शायद से जीआरएक्स के बंदों ने देख लिया है। जीआरएक्स के बंदे को ज़्यादा ओपन में, बहुत बहुत ओपन में। और ये मिस्ड के पाशा को बजा दिए। मिस्ड का सिर्फ एक ही बंदा बचा है, अनी। ओ भाई उतरते उतरते दे दिया भाई, उतरते उतरते दे दिया। गंदा स्कैम हो गया यहाँ पे, बहुत गंदा स्कैम हो गया। चलो गाइस ऊपर से देखते हैं। और यहाँ पे स्कैम तो पूरा मचा दिया है राजे भाई, उसको तो आने ही नहीं दिया, उसको गाड़ी से ही मार दिया। यहाँ पे विमिस्ट, बैड बॉय, टीम जीआरएक्स और आईजी है, मतलब यहाँ पे दो सोलो बंदे, एक डियो और एक ट्रायो। ट्रायो में भी एक बंदा नॉक है। सो इसको इतना ओपन में रिवाइव देना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। टीम जीआरएक्स ने वहाँ पे स्मोक ही स्मोक कर दिए। बाहर ही है बैड बॉय, आजिए का और एक बंदा नॉक भाई, एक ही बंदा बचा है टपाटप। इसके हाथ में ये पूरी, अगर इसके पास स्मोक नहीं है सही से, वहाँ पे बैड बॉय का बंदा भी नॉक कर दिया है अनी ने, क्योंकि अनी ऊपर था तो उसको फटाक से देख लिया सही से बंदे ने। वैसे कौन किसको मार रहा है ग्राउंड लेवल पे, देखते हैं। मिस्ट अनी है शायद से। ओके, अनी ने देख लिया है आईजीए के 420 ओपी को, और वो फिनिश करने को देख रहे, और फिनिश कर दिया है। और स्कैरी तो मर गए। तो यहाँ पे अब एक शॉट आउट फॉर मिस्ट अनी फॉर सिक्योरिंग 7 किल्स। तो क्या गाइस ये नेट परफेक्ट हो सकता है? ओ भाई थोड़ा थोड़ा एकदम नज़दीक गिर गया। यहाँ पे आईजीए का एक बंदा, यहाँ पे मिस्ट का एक बंदा, बीच में टीम जीआरएक्स। सो कंटिन्यू द मैच। तो जोन छोटा हो जाएगा यहाँ पे। जीआरएक्स के बंदे तो भी दे रहे हैं, अगर यहाँ पे एक भी गलती से नेट गिर गया तो भाई ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ पे आईजीए के बंदे को मार दिया है अनी ने। अभी भाई 1v3। ओ भाई साहब, जोन के अंदर भागना था और पूरा वन साइड हो गया। यहाँ पे द विनर्स आर टीम जीआरएक्स। कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस। सो कैसा लगा आज का कस्टम रूम? आज तो बहुत ज़्यादा पब्लिक आ गई थी, लेट थोड़ा ऑन भी थोड़ा लेट कर दिया था। तो चलो ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और ऐसे ही कस्टम रूम देखते रहना, पार्टिसिपेट करते रहना। लीग आ रही है भाई, लीग के अंदर एंट्री फ़ी 50 रुपये एंट्री फ़ी है भाई। लीग खेल लेना, क्या आपके स्किल से बढ़ेंगे। सो कीप प्लेइंग, कीप स्लेइंग, सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन, जो करना है चैनल के साथ करो, बस लाइक्स भी करते रहो। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर।